अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उसामा मजीद। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको टेंसेस के बारे में बताया कि टेंसेस क्या है, और फिर उनकी फर्दर टाइप्स के बारे में बताया, और फर्दर उनकी आगे टाइप्स के बारे में बताया कि टेंसेस की आगे 12 टाइप्स क्या हैं, कौन सी 12 टाइप्स हैं जिस पे टेंसेस डिपेंड करते हैं और जिनको सीखने से टेंसेस जो हैं वो आते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको टोटल 12 लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आपको सेपरेट सेपरेट हर टाइप के बारे में बताऊंगा कि वो टाइप क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ हो रहे हैं, फिर आगे उनकी मैं एग्जाम्पल्स दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जिक्र करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी टाइप्स में पहले इनडेफिनेट का जिक्र किया है। स्टूडेंट, जो इनडेफिनेट का जमाना है, जो इनडेफिनेट का टेंस है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं आपको पहले कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। सो अगर आप आसान को सीख जाएंगे तो आपके लिए जो डिफिकल्ट है उसको सीखना इजी हो जाएगा। मैं आपको कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, फिर आपको परफेक्ट टेंस और लास्ट पे इनडेफिनेट का जिक्र करूंगा। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसमें इसकी जो पहचान है, स्टूडेंट्स, ऐसे जुमले जिनके लास्ट पे ये वर्ड आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे फिक्रे आ जाएं जिनके लास्ट पे, तो ऐसे टेंस की जो पहचान है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं तीन, बारिश हो रही है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हो रही है, जो रही है ये शो कर रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। जैसे कि अगली एग्जांपल है, मैं सच बोल रहा हूँ, लड़कियां फूल तोड़ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे रही है, रहा हूँ, रही है, तो ये जो रही है, यहाँ पे रही है का जिक्र किया, अगर ज्यादा होंगी तो रही है आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो रही है, रहा हूँ, रही है, तो ये जो है, अगर ऐसे जुमले जिनके लास्ट पे ये फिक्रे आ जाएं, उनको हम ऐसे जुमलों की जो पहचान है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। ऐसे जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको पहचान का पता चल गया। सो आगे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लगता है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो इज एम आर हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ आई एन जी का एडिशन करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आई एन जी लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो कंटिन्यूअस टेंस है, जो कंटिन्यूअस है, मैं प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर की बात नहीं, मैं ओनली कंटिन्यूअस टेंस की बात करता हूँ। कंटिन्यूअस टेंस के में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, और इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, क्योंकि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो परफेक्ट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर जो है वो किस किस सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही शी इट और सिंगुलर के साथ हम इज का इजाफा करेंगे। ही शी इट और सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे। यहाँ पे अगर सेकेंड देखा जाए, एम है, आई है। सो स्टूडेंट्स, जो आई है, आई के साथ ना तो इज लग सकता है और ना ही आर लगता है। सो आई के साथ, इंग्लिश का असूल है कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा। और लास्ट पे अगर देखें, वी दे और प्लूरल, वी और दे जो है ये जमा में आता है, जमा में, ये वाहिद में नहीं, ये जमा में आता है। इसके साथ अगर कोई भी वाहिद है तो वाहिद के साथ भी हम आर लगा देंगे। तो ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। अगर सिंगुलर की बात करें तो कोई भी नेम आ सकता है, जैसे कि अली आ सकता है, उसामा आ सकता है। ठीक है, तो अली अली इज, उसामा इज, ही इज, शी इज, इट इज, इसी में अगर आर की बात करें तो वी आर, दे आर, प्लूरल में अगर बात करें तो अली एंड उसामा। ठीक है, ये जो दो चीजें हैं ये मिलके ये जमा हो रही हैं, तो हम इसे प्लूरल की बात करेंगे। यहाँ पे अली एंड उसामा इज नहीं आ सकता, इज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये दो सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये जमा है तो ये प्लूरल है और वाहिद नहीं है, सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए इसमें इसका इसके साथ इज नहीं लगाएंगे, हम आर लगाएंगे।
सो ये हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया उर्दू में इसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, और ये बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है किस किस सब्जेक्ट के साथ लग सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, इनकी एग्जाम्पल्स की। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स की यहाँ पे तीन टाइप्स दिए हैं, सिंपल टेंस, इंटरोगेटिव टेंस और नेगेटिव टेंस। स्टूडेंट्स देखा जाए तो जो पहला सिंपल टेंस है, इस मैंने यहाँ पे ये जो तीन एग्जांपल्स दी हैं इनको उर्दू में मैंने यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में इसकी इंग्लिश की है। जैसे कि सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस की अगर बात करें तो इसमें पहला है इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। सो जो पहला सब्जेक्ट आ गया उसके साथ हमने इज लगा दिया, और साथ में इज जो हेल्पिंग वर्ब है और जो रेनिंग है रेन के साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, ठीक है। इसी तरह आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ, जैसे कि इसमें भी रहा हूँ, लास्ट पे रहा हूँ आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब एम लगाया है और स्पीकिंग के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया। और थर्ड एग्जाम्पल देख लो, गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स, तो यहाँ पे जो गर्ल्स है वो जमा है, तो उसके साथ हम आर का ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने इट देखा, इट जो है वो सिंगुलर वर्ड में आता है, तो सिंगुलर यहाँ पे जैसे कि रूल है, रूल में इट के साथ इज लगाएंगे तो यहाँ पे इट इज, और आई के साथ एम लगाएंगे तो आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, और उसके बाद गर्ल्स जो है वो जमा है या वी दे या प्लूरल है, तो प्लूरल जमा के साथ हम आर का लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये तीन एग्जाम्पल दी जिसमें इज आ रहा है, एम आ रहा है, और आर आ रहा है, जैसे गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स, लड़कियां फूल तोड़ रही हैं। अच्छा स्टूडेंट्स ये तो हो गया सिंपल टेंस, लेकिन यहाँ पे दो और टेंसेस हैं जो एग्जांपल्स हैं उनके, दो और टाइप्स हैं आगे, इंटरोगेटिव टेंस और नेगेटिव टेंस। इंटरोगेटिव टेंस जो है ना, इस टेंस में सवाल किया जाता है, किसी से कोई सवाल किया जाए, सवाल के लिए अगर कोई सवालिया कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए हम इंटरोगेटिव टेंस यूज करेंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स हैं इनको देखें, क्या बारिश हो रही है, क्या मैं सच बोल रहा हूँ, क्या लड़कियां फूल तोड़ रही हैं। ऐसी सूरत में अगर क्या आ रहा है, मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ऐसे टेंस को हम इंटरोगेटिव टेंस कहेंगे। स्टूडेंट्स जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इट इज इट रेनिंग, इज जो है ये वर्ब है, वर्ब को स्टार्ट में कर दिया, इट को बाद में ले आए और सब्जेक्ट को बाद में ले आए, और रेनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी का एडिशन कर दिया और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। एम आई स्पीकिंग द ट्रूथ, जैसे कि ये एम है, वर्ब को स्टार्ट में ले आए, आई को सब्जेक्ट को बाद में, स्पीकिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी का एडिशन कर दिया, तो ये इंटरोगेटिव है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंटरोगेटिव में लास्ट पे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि ये भी चीज एक नोट करने वाली है कि जुमले के लास्ट पे फुल स्टॉप का होना जरूरी है, आया वो जुमला जो है, अगर तो क्वेश्चन सवालिया पूछा गया है तो फिर उसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, और अगर वो वैसे ही है तो उसके लिए लास्ट पे फुल स्टॉप होगा। जैसे कि एम आई स्पीकिंग द ट्रूथ हो गया, उसके बाद आर गर्ल्स प्लकिंग फ्लावर्स, तो इसमें देखें कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, आ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का एडिशन हो गया, और ये इंटरोगेटिव टेंस बन गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है लास्ट पे नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस में बात करें तो ऐसे जुमले जिनमें नहीं आ जाए, नहीं का जिक्र आ जाए कि मैं ये काम नहीं कर रहा, वो ये काम नहीं कर रहा है, रहा, तो ऐसे जो नहीं आ जाए, जहां पे नहीं का जिक्र आ जाए वो नेगेटिव टेंस की निशानी है, ये चीज याद रखने वाली है। ऐसा टेंस जिसमें नहीं का जिक्र आ जाए वहां पे वो नेगेटिव टेंस होगा। जैसे कि ये देखें, बारिश नहीं हो रही है, मैं सच नहीं बोल रहा हूं, लड़कियां फूल नहीं तोड़ रही हैं, तो जो नहीं का एडिशन हो गया है, नहीं आ गया तो वो नेगेटिव टेंस होगा। जैसे कि आप देखें, इट इज नॉट रेनिंग, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगा दिया,
नेगेटिव टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ कोई नोट नहीं लगेगा। जैसे कि इट इज नॉट रेनिंग, जैसे कि आई एम नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, एम है वर्ब के साथ, आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दिया, सब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया और स्पीकिंग द ट्रूथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी का एडिशन हो गया। उसके बाद गर्ल्स आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर, सो यहाँ पे हमने इसका ये जो है नेगेटिव टेंस हो गया, गर्ल्स आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, सो ये नेगेटिव टेंस है। स्टूडेंट्स एक बात ये है कि जो जितने भी टेंस की 12 टाइप्स हैं उसमें जो इंटरोगेटिव टेंस है और नेगेटिव टेंस है उसका यही सेम कुलिया होगा, यही चीज होगी। मतलब कि वो इंटरोगेटिव टेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा और नेगेटिव टेंस में नहीं आ जाएगा। 12 टाइप्स जो हैं टेंस की वो उनमें इंटरोगेटिव टेंस और नेगेटिव टेंस का यही कुलिया होगा। आगे मैं आपको फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर टाइप्स के बारे में बताऊंगा। सो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।